देवघर में हादसे वाले दिन कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, पूरी घटना के बारे में आज तक पर विस्तार से बता रहे हैं चश्मदीद पन्नालाल। हुआ क्या था अब बताइए। अचानक एक ही बार शाफ्ट टूट गया। शाफ्ट मतलब जो उसके ऊपर जिसमें वो चक्का जो चलता है ना, चक्का, हाँ। चक्का चलता है उसका अंदर में एक शाफ्ट रहता है, हाँ। वो यहाँ से टूट गया, हाँ। टूटने का बाद, हाँ। आगे का जो सीव है वो मैंने उतर गया, उतरने का बाद जो झटका मारा, झटका मारने के बाद नीचे का भी उतर गया, हाँ। और उतरने के बाद केबिन जब जंप किया तो कुछ आदमी को चोट लगा था, हाँ। चोट लगा था, हम लोग सोचे ऊपर में भी चोट लगा था तो नीचे वाला आदमी, हाँ। तो थोड़ा कुछ सुरक्षित था लेकिन ऊपर वाला आदमी सुरक्षित नहीं था, हाँ। तो हम लोग सोचे एक छोटा रुपये मेटल रुपये उसको, हाँ। चालू करके उतार लेंगे, हाँ। तो चालू नहीं हुआ, हाँ। तो एक ही अचानक एक ही बार दिमाग में आया जो जब चालू नहीं ऊपर का जो होना का तो ही जाएगा लेकिन लाइन में जो आदमी फंसा है केबिन में उसको उतारा जाएगा, हाँ। तो कुछ बहुत आदमी ज्यादा ग्रामीण भी पहुंच गया, हाँ। तो और आप ही आगे बढ़े, हाँ, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ग्रामीण भी गया, सब कोई हेल्प करके केबिन पर चढ़े, हाँ। और चढ़ने के बाद नीचे की तरफ जो केबिन था उसमें चढ़े, हाँ, कैसे चढ़े, रस्सा फेंक के, रस्सा फेंक के चढ़ गए, चढ़ गए, और ग्रामीण आदमी सब पकड़ने लगा, हेल्प करने लगा, उसमें 6 टोली हम लोग उतार लिए, अंधेरा हो गया, 6 टोली मतलब 24 लोगों को, हाँ, अंधेरा होने के बाद तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, तो पर भी हम लोग हिम्मत किए, हाँ। जो आगे वाला 18 नंबर को उतार लेंगे, हाँ। तो 18 नंबर को उतार लेंगे तो प्रशासन मना कर दिया, प्रशासन और मना ही कर दिया, मना कर दिया, बोले उतना हाइट में उतार नहीं सकेगा, अंधेरा को हेलीकॉप्टर आएगा, हाँ। तो उतारा जाएगा, हाँ। हम लोग छोड़ दिए, हाँ। उतार के फिर अपने कंधे पे उनको लेके आए, हाँ, अपना 4 बच्चा था छोटा छोटा, उसको हम अपने हाथ से उतारे पकड़ के रिक्शा चेयर पर बिठा के।